तुम ही मेरे मंदिर। वाह, धन्य है आगरा। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर। गाइए मुकेश अग्रवाल, धन्य हो, सबको दर्शन दिलाया मानवीर भैया, तुम्हारी कृपा। तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आपकी वाइफ जब बीमार हो और कहती हो कि सिर दर्द है और बिस्तर पर लेट गई हो और चादर ओढ़ ली हो, उस समय कुर्सी डालकर उसके बेड के पास बैठना और ये पंक्तियां गा देना, इनका जादू देखना कि 5 मिनट में सिर दर्द दूर होगा और गर्म चाय बनाकर आपको पिलाएगी कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, उठकर खड़ी हो जाएगी। अरे शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, शब्दों की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, कमजोर आदमी भी ताकत के साथ काम करने लग जाता है। मैंने मेरे गुरु से कहा, मेरे गुरु की उम्र 99 वर्ष, मैंने कहा गुरुदेव आश्रम बन रहा है, मैं तो यहां नहीं हूं, आप इसकी देख रेख रखना। तो बोले मैं चल नहीं पाता। मैंने कहा कृपा करना। वो रोज 3 बार उसको देखने जाते हैं और चल नहीं पाते थे, तो मैंने कहा ये ताकत कहां से आई। बोले तुमने कहा था ना कृपा करना, तो कृपा करता। शब्द आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को भी जागृत करते हैं, इसलिए कहते हैं कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाग, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार, ओ हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। कितने लोगों की जीभ में तलवार है, तुम ही मेरे मंदिर। गाइए, तुम गाओ हम सुने, हमारा भी सिर दर्द दूर हो जाए। बाबा गाओ। नहीं, हमारे महात्मा बड़े अच्छे हैं, बहुत महान लोग हैं, माताएं बहुत अच्छा गाती हैं। गाइए माताएं बहने, पुरुष लोग सुनेंगे, माताएं गाएंगे, देखना। मैं एक बार गा देता हूं, तुम दोबारा दोहराओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। बहुत अच्छा सुर है। अब पुरुष गाएंगे, माताएं सुनेंगे, इनका भी सुर देख लेता हूं। इन्होंने बहुत आगरा का पेठा खाया है, आज प्रैक्टिकल हो जाए, क्या ताकत है पेठे की। गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी। बहुत रोध होकर गाया है।
एक बार माताओं का और सुनो, देखो कितना अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम, ओहो सब पुरुष ललचा गए कि कितना मीठा गाती है। सबके मन में हुआ कि वास्तव में इनका स्वर बहुत मीठा है, और जितना मीठा पंडाल में गाई है ऐसा मीठा घर में भी बोले तो क्या स्वर्ग हो जाए। घर में भी बोलेंगी, चिंता मत करना बहुत। अरे ये तो देवियां हैं और तुम देवता हो, हिंदुस्तान के छठे हुए नर नारी यहां बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। बहुत से घरों में तो रो नरक हो गया है, तुम्हारे घर तो स्वर्ग है। धन्य हो तुम, महान हो। सत्संग से जुड़ा हुआ आत्मा अपने घर को स्वर्ग बना देता है, मरने के बाद उसको स्वर्ग की जरूरत नहीं रहती है, जीते जी ही वो स्वर्ग में रहता है। अब नर नारी दोनों मिलकर के गाएं और इस भजन की दो तीन पंक्तियां हम आपके बीच गाते हैं, कल दूसरे भजन आपको सुनाएंगे। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो, खेवैया तुम ही हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संतापाद भ्रष्यते रूपम्, संतापाद भ्रष्यते बलम्। संताप करने से मनुष्य का शरीर निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है,
और याद रखना, जब जब ये जीव चिंता करता है तो इसका शरीर बाहर से देखने में तो हष्ट पुष्ट लगता है, लेकिन भीतर से कमजोर हो जाता है। चिंता ऐसे है जैसे लकड़ी में लगा हुआ दीमक कीड़ा। ये दीमक बाहर से लकड़ी दिखती है, ठीक है, लेकिन भीतर से कमजोर हो चुकी है। लकड़ी का महल अब ढह जाने की संभावना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके जीवन में कोई धन की हानि हो जाए तो इस बात का विचार करना कि धन कमाने वाले आप हैं। आप अगर सुरक्षित हैं तो धन फिर कमा लोगे। आप अगर चिंतित हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो जो धन गया तो गया, लेकिन भविष्य में जो कमा सकते थे वो भी नहीं कमा सकोगे। और थोड़ा व्यायाम भी करना, पैदल चलना शरीर के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है। साइकिल चलाना घुटनों के लिए फायदेप्रद है। और कठोर श्रम, शरीर से पसीना निकले, इससे बहुत सी बीमारियां निकल कर बाहर हो जाती है। संयम नियम भी रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना। कभी कभी तुम तादाद से ज्यादा बोल जाते हो, जिसके कारण बाद को तुम्हें पश्चाताप होता है, चिंता होती है। कभी कभी तुम किसी के साथ में गलत व्यवहार करते हो, बाद को तुम्हें चिंता होती है कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी तुम जोश खरोश में कोई कार्य करते हो और उसके बाद में तुम पछताते हो कि बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए हमेशा होश में कार्य करना, और जिस समय जोश खरोश आए उस समय थोड़ा मौन साध लेना, वाणी पर नियंत्रण कर लेना और मन में संतोष भी रखना। हाय हाय की जिंदगी न जीना। संतापाद भ्रष्यति रूपम, संतापाद भ्रष्यति बलम, संतापाद भ्रष्यति ज्ञानम। तीसरी चीज विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, टेंशन करने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जो भी तुमने गीता भागवत रामायण याद किया है सब भूलना शुरू हो जाएगा। अभी एक सज्जन मुझे बाराबंकी जिले में मिले तो कह रहे थे गीता के पूरे 700 श्लोक याद है, तुमने कहा सुनाओ दो चार श्लोक, बोले अब नहीं याद है। तुमने कहा कब याद थे, बोले याद थे तब याद थे। तुमने कहा कितने दिन हो गए भूल गए, बोले जब से गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए तो मेरी वाइफ का नाम गीता देवी है, बस वही याद है, बाकी सब गीता भूल गई। बहुत टेंशन तनाव। विवाह करने के पश्चात प्रायः लोगों को बहुत चिंतित देखा जाता है। चिंता करने की क्या बात है, अब तो आप दो लोग हो गए, साथी हो गए, अभी तक अकेले थे, अब पति पत्नी दो हो, सलाह करके डिसीजन लो, सही काम करो, चिंता क्यों करते हो। और विवाह होने के बाद लड़कियां तो कम चिंतित होती, लड़के ज्यादा चिंतित होते।
लेकिन बच्चे होने के बाद फिर महिलाएं भी चिंतित हो जाती, अब उनकी उनको भी बड़ी टेंशन रहती। कितनी महिलाओं को कहते सुना गया कि हमें हमारी कोई चिंता नहीं है, बस इन बच्चों की चिंता है, ये बस ठीक लाइन पर आ जाए। और उनके माता पिता भी यही बात कहते थे कि हमको हमारी चिंता नहीं, इन बच्चों की चिंता है। बच्चों की चिंता तुम क्यों करते हो? बच्चों को सिर्फ दो चीजें दीजिए आप, एक तो शिक्षा देने का प्रयास कीजिए और दूसरे अच्छे संस्कार दीजिए, और बाकी उनका जैसा कर्म भाग्य होगा वैसा फल मिलेगा। एक गरीब मां का बेटा जिसकी मां मजदूरी करती थी, दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, उसका बेटा भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, तो किसी मां को चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके बेटे के भाग्य में क्या है तुम्हें कुछ पता है? तुमने उसको जन्म दिया है, वो सोता है तुम पंखा डुलाती हो, भूख लगती कुछ खिला देती हो और उसका पालन पोषण करती हो, लेकिन उसकी आत्मा आपसे स्वतंत्र आई है। शरीर को तुमने जन्म दिया है, उसकी आत्मा को तुमने जन्म नहीं दिया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वो आत्मा अनेक अनेक सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्मों का बंडल लेकर आई हुई है। उसके साथ में बड़ा प्रचंड भाग्य भी आया हुआ है, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस उसको अच्छी शिक्षा दे दीजिए, सत्संग से जोड़ दीजिए, अच्छी संगत में बिठा दीजिए और अच्छी अच्छी बातें उसको सिखाने का प्रयास कीजिए। बाकी तो वो जो फूल खिलेगा तो देखना पूरी परिवार की बगिया महक उठेगी, पूरे देश में खुशबू उठ सकती है, वो प्रचंड आत्मा का जन्म हुआ है। इसके लिए आपको भी पुण्य कमाना पड़ेगा। जो माता पिता बहुत पाप करते हैं उनके घर में ऐसी पवित्र आत्मा का जन्म नहीं, दुष्ट आत्मा आ जाती है, इसलिए पुण्य भी कमाइए। और सत्संग सुनने से बहुत ज्यादा पुण्य होता है। सत्संग में जो तुम बैठे हो ना, ये प्रथम भक्ति है और इससे बहुत पुण्य हो रहा है। इसमें तुम्हारा खर्चा केवल समय खर्च हो रहा है, मन लग रहा है, बाकी ढेर पुण्य प्राप्त कर रहे हो। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है। और जो माता पिता सत्संग में बैठते हैं, सत्संग के संस्कार उनके ऊपर पड़ते हैं, उसके बाद संतान को जन्म देते हैं, तो कोई दिव्य आत्मा उनके माध्यम से इस धरा धाम पर आती है और पूरी धरती पर उजाला करती है। इसलिए माता पिता को सत्संगी होना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। और गर्भावस्था में माँ को ना तो रोना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए, ना चिंता करना चाहिए, मंद मंद मुस्कुराना चाहिए और पति पत्नी प्रेम से रहना चाहिए। फिर देखना तुम्हारे घर में कृष्ण कन्हैया जैसा बालक जन्म लेगा और आंगन की शोभा बढ़ेगी। सीधे बैठ जाओ, तुमको पता नहीं है तुम कितना टेढ़े हो चुके हो। मैं 2-3 बार सत्संग में सीधा कर देता हूं लोगों को। धन्यवाद बहनों को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी, तुम लोग बोलो साहिब बंदगी। संत कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर के बारे में मैंने सुना है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर को पीएचडी में पढ़ा जा रहा है, कमाल हो गया। जो व्यक्ति खुद पढ़ा ना हो उस व्यक्ति को पीएचडी के लोग पढ़ रहे हैं और कबीर पर पीएचडी कर रहे हैं, तो ये आदमी कुछ विलक्षण हो सकता है, बड़ा दिव्य आत्मा होगा कबीर। खुद पढ़ा नहीं और उसको लोग पढ़ रहे हैं। कबीर के दोहे, एक एक दोहे पर रिसर्च चल रहा है। और कितनी गहरी बात कही है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब तुम्हारा जन्म होता है ना, तुम रोते हो, हर बच्चा रोता है, मनुष्य का बच्चा, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब रोते हैं। लेकिन जिनके घर में जन्म होता है वे सब खुशी मनाते हैं कि आज हमारे घर में एक सदस्य और नया आ गया है, बड़ी प्रसन्नता होती। कितने घरों में ढोल बजने लग जाती है। लेकिन जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है। और केवल मनुष्य का बच्चा ऐसा है जो जन्म के बाद तुरंत रोता है, बाकी पशु पक्षी का बच्चा बिल्कुल कुछ रोता होता नहीं, चुपचाप जन्म ले लेता है, चिल्लाता नहीं। और मनुष्य जन्म से ही रोता है, इसलिए जिंदगी भर रोता रहता है, इसका रोना बंद ही नहीं होता। इसकी जिंदगी का श्री गणेश रोने से हुआ है, तो ये जिंदगी भर रोवा धोई मची रहता है। बहुत कारणों से रोता है, कारण बदल जाते हैं। और जन्म लेते समय ये बता भी नहीं सकता मैं क्यों रो रहा हूं, पर ऐसी आवाज निकालता है, कया कया कया, कहां आ गया हूं, कहां आ गया हूं। अरे तू जहां आ गया वहां आ गया, चुप रहे, चिल्लाता क्यों है? पर वो रोता है। क्यों रोता है? कबीर ने इसके लिए बड़ी चुनौती दे दिया कि तुम रो रहे थे जब तुम्हारा जन्म हो, लेकिन तुम्हारे जन्म की खुशी में तुम्हारे घर के लोग, परिवार के लोग, तुम्हारे मामा नाना सब खुश हो रहे थे। तो जिनको जन्म में तुमने खुशियां दिया है, तो बचपन भी ऐसे बिताना कि तुम्हारे बचपन की हरकतों से उनको रोना ना पड़े, तुम्हारे बचपन की बहारों से उनको खुशियां ही मिलती रहे, वे कभी दुखी ना हो, क्योंकि तुमने जन्म में उनको प्रसन्नता दी है, खुशी दी है, तो बचपन में भी उनको बहार देना और जवानी में त्योहार देना और बुढ़ापे में भी उनको मुस्कान देना, और जब मरना तो तुम हंसते हंसते दुनिया छोड़कर जाना और उनके आंखों में आंसू छोड़कर चले जाना। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। गाओ दोहा, गाओ, बोलो, चलो बोलो बहनों, तुम भी बोलो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। खुद हंसना है, अब ऐसे कर्म करना है। जन्म तो रोते रोते हुआ है, अब बचपन हंसते हंसते बिताना, जवानी भी प्रसन्नता से व्यतीत करना, टेंशन न करना, और बुढ़ापा भी हंसते हंसते गुजार देना, बुढ़ापे में भी हंसा करो। ज्यादा चाहत मत रखो, 70 साल की उम्र हो जाए
और पोता पोती हो जाएं, बस इच्छाएं खत्म करो, अपेक्षा शून्य करो और जो है सबको दिन भर आशीर्वाद दो, धन्यवाद दो और हंसते रहो। मुंह में दांत हो ना हो लेकिन फिर भी हंसते रहो, क्योंकि जिस घर के बूढ़े लोग खुश रहते हैं, जिस घर की नारियां प्रसन्न रहती हैं और जिस घर के नौजवान मुस्कुराकर घर में प्रवेश करते हैं, जिस घर के बच्चे किलकारी मारा करते हैं, उस घर में राम राज्य की स्थापना होती है। वहां पर कभी महाभारत नहीं होती है, वहां पर शांति रहती है। और जिस घर की स्त्रियां चुपके चुपके रोती रहती हैं और पुरुष लोग बहुत क्रोध करते हैं, जिस घर की बहुएं बहुत नाराज रहती, मुंह फुला कर रहती हैं, याद रखना जिस घर के बच्चे गंदे कपड़े पहने पड़े रहते हैं उस घर से लक्ष्मी भी रूठ जाती है और उस घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और वह घर जीते जी नरक का रूप ले लेता है। इसलिए ऐसी कंडीशन अपने घर में मत आने देना। आपका घर हंसी खुशी और प्रसन्नता का केंद्र होना चाहिए। हर फूल बगिया में जैसे खिल जाता है, ऐसे आपके घर में हर सदस्य का चेहरा खिला होना चाहिए। अपने स्वभाव को बदलो, अपनी आदतों को चेंज करो और अपने नेचर को ऐसा बना लो कि घर में खुशियों की कमी ना होने पाए, सब आनंद में रहे। कितने लोग ऐसा स्वभाव बना लेते, उनके माता पिता बड़े दुखी रहते, उनसे कहते हमारा लड़का हमसे बोलता नहीं है। तो क्यों नहीं बोलता है? बोलते न जाने क्यों नहीं बोलता है, पड़ोसियों से बोलता पर हमसे नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आत्मवर्गम समाश्रयेत परवर्गम, आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत। जो अपने परिवार को, अपने माता पिता बेटा बहू को छोड़कर और दूसरों के साथ में सुख ढूंढ रहा है, उसको कभी स्वप्न में सुख मिलने वाला नहीं है। उनके साथ सेटलमेंट कीजिए। और जितनी आत्माएं हैं उनके सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग भाग्य है। मेल तो किसी का किसी से खाता नहीं, लेकिन याद रखना आतंकवादी भी मेल खिलाकर संगठन बना लेते हैं, चोर भी मेल खिला लेते हैं, शराबी भी मेल खिला लेते हैं। तो हम तुम जैसे अच्छे लोग तालमेल खिला लेना चाहिए और अपने घर में प्रेम से रह लेना चाहिए। मधुमक्खियां एक छत्ते पर, 10,000 मधुमक्खी एक छत्ते पर चिपक कर रह लेती है। कौन छोटी है, कौन बड़ी है, किसका सम्मान किसका अपमान, जिसको जहां जगह मिली वहीं चिपकी पड़ी है। और वो मधुमक्खियों का परस्पर का प्रेम विभिन्न प्रकार के फूलों का रस लेकर आती है और उस रस को इकट्ठा करती, वो मुंह में भर के लाती। कोई टैंकर में थोड़े रस लाती मुंह में, अब मुंह में भरेंगे तो उनका जूठा हो जाएगा, उनका लार थूक लग जाएगा, तो लार थूक लग जाएगा। और वो लार थूक लगा हुआ रस छत्ते में इकट्ठा करती है तो बनता है मधुरस, और जिसको साधु भी शहद में चाट लेते हैं दवाई, तुम भी चाटते हो। मधुमक्खियों का जूठा सब खा लेते हैं, लेकिन मक्खी का जूठा कोई नहीं खाना चाहता है। मक्खी और मधुमक्खी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मक्खी का ठिकाना ही नहीं कहां कहां बैठ जाए, वो गंदगी में बैठ जाएगी, भोजन पर बैठ जाएगी, गोबर पर बैठ जाएगी, लेकिन मधुमक्खी वो हमेशा फूल पर बैठती है, इसलिए उसका जूठा सब खा लेते।